देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतु बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर काला ढूंगी से, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने को लेकर वाल्मीकि समाज ने निकाला कैंडल मार्च। आपको बताते चलें, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए गुरुवार को भी वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाला तथा बेटी को श्रद्धांजलि दी। कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। बुधवार को भी क्षेत्र में तमाम सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने हाथरस प्रकरण को लेकर रोष जताया। बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाले। वाल्मीकि समाज के समर्थक मोर्चे के मुराद भारती के नेतृत्व में गुरुवार को कालाढूंगी मुख्य बस स्टैंड व मुख्य बाजार रोड पर तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कहा कि बेटी के गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाए। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा, इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिटिया के स्वजनों को आर्थिक मदद की जाए तथा दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। इस मौके पर तमाम वाल्मीकि समाज के लोग शामिल थे। आप देख रहे हैं कालाढूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।